हेलो एंड वेलकम बैक टू मॉम्स मैजिक बाय अंजना। तो आज बनेगा आलू लच्छा नमकीन, वो भी 15 मिनट में। अब आप सोच रहे होंगे कि 15 मिनट में आलू लच्छा नमकीन कैसे बनेगा, इसको बनाने में तो बहुत ही झंझट होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही इजी बनेगा सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में कम सामानों से। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये नमकीन ऐसा है कि आप फेस्टिवल में भी खिला सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 आलू, जिसको मैंने पील कर लिया, कच्चा आलू था। और यहाँ मूंगफली लिया है और फ्रेश करी पत्ता हमने लिया है। बस यही 3 इंग्रेडिएंट हमें लगेगा इस नमकीन के लिए। अब देखिए, मैंने आलू को ग्रेट कर लिया और मैं पानी से इसको धो रही हूँ। पहले मैं इसे एक पानी से धो रही हूँ और आप देखिए कि इसका स्टार्च कितना ज़्यादा निकल रहा है। बस यही है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि बस आपको ये सारे स्टार्च जो है रिमूव कर लेना है। ठीक, तो पहले देखिए इसे हमने धोकर दूसरे पानी में, साफ पानी में डालना है। तो इस तरह से मैं 3-4 बार इसे धोऊंगी जब तक कि पानी साफ ना निकले। तो देखिए मैंने इसे तीसरी बार अब मैं धो रही हूं और अब देखिए इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो रहा है। तो फिर मैं इसे एक साफ पानी में ट्रांसफर करूंगी। तो यहां देखिए इसे निकाल कर इस तरह से मैं साफ पानी में डाल रही हूं। बस ये इसलिए करना है क्योंकि हमारे नमकीन परफेक्ट नहीं बनेगा अगर स्टार्च रह जाएगा, तो इसीलिए हमें स्टार्च इसका रिमूव करना है। तो देखिए मैंने फिर अभी इसे साफ पानी में डाला और पानी अब साफ हो चुका है। तो अब इसे निकाल कर एक साफ कपड़े में या फिर टॉवल में इसे हम डालकर स्प्रेड करेंगे और फैन में इसे 10 से 15 मिनट तक हम इसे ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसे स्प्रेड कर लीजिए, ये देखिए, और इसे पोंछ लेंगे क्योंकि हमें आलू में अब मॉइस्चर नहीं रखना है। तो इसे हम अच्छी तरह से ये देखिए स्प्रेड कर लेते हैं और ये देखिए मैं इस तरह से इसे पोंछते रही हूँ। आप किसी भी साफ कपड़े का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसे हम 10 से 15 मिनट तक सुखा देते हैं फैन में। बस हाँ, सन में मत इसे ड्राई करिएगा। तो यहाँ देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, आलू हमारा ड्राई हो चुका है। ये देखिए सारे लच्छे खुल चुके हैं और स्टार्च भी रिमूव हो चुका। बस इसीलिए हमने स्टार्च रिमूव करा है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? पहले पैन को हमने गरम कर लिया है तेल के साथ। यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक। यहाँ पे मैंने स्ट्रेनर लिया और स्ट्रेनर में डाल के मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। इसका रीज़न क्या है कि मैं नहीं चाहती कि तेल स्पॉइल हो और आपको बाद में निकालने में से दिक्कत हो, तो इसलिए स्ट्रेनर में डालकर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। और हाँ, फ्लेम का ध्यान रखें, फ्लेम हमारा रहेगा लो, पूरे लो प्रोसेस में ही हमें काम करना है। तो देखिए स्ट्रेनर में डालने से क्या है, एक एडवांटेज तो ये है कि एक तो लॉन्ग समय तक ये क्रिस्पी रहेगा, प्लस आपको जब आप फ्राई कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ देखिए बात ही बात में ये देखिए बनकर रेडी है, बस इस कलर आने तक हमें फ्राई करना है। तो इसी तरह से सारे आलू हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए आलू फ्राई हो चुके हैं। अब लेंगे हम पीनट्स यानी कि मूंगफली, और मूंगफली को भी इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो मूंगफली को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ये ध्यान देना क्योंकि ज़्यादा फ्राई हो जाता है ये तो फिर इसमें कड़वाहट आ जाती है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, इसे ज़्यादा फ्राई मत करिएगा। देखिए हल्का सा स्प्लटर करिए और इसे बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए फ्राई होकर रेडी है। और साथ ही साथ मैं इसमें फ्लेवर डालने के लिए अब करी लीव्स को भी फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए इसे हल्का सा क्रिस्प आने तक, आपको वो पता चल जाएगा जब ये फ्राई होगा। तो देखिए क्रिस्प आने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसे हमने फ्राई कर लिया है इस तरह से, बस थोड़ा सा चलाते रहे बीच बीच में, और आप देखिए ये करी पत्ता का कलर चेंज हो चुका है। तो इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं और बस अब नमकीन रेडी है। अब तो कुछ भी नहीं करना है। अब ये देखिए, बस लिया हमने तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया और बस अपने अनुसार नमक इसमें ऐड कर दिया है। और ये लीजिए नमकीन बनकर रेडी है। आपको ऊपर से एक्स्ट्रा कोई फ्लेवर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बना है क्रिस्पी ना, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको क्रश करके दिखा रही हूँ। ये देखिए है ना मज़ेदार। तो देखिए इस रेसिपी को बनाने में कुछ भी नहीं लगा, 15 मिनट में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। प्लस साथ ही साथ ये दिवाली के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। फेस्टिवल्स हो, दिवाली हो, या ऐसे नॉर्मल भी आप टी टाइम में इसे बना सकते हैं, बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और आराम से आप इसे जो है 2 से 3 हफ्ते तक आराम से इसे एयर टाइट डब्बे में रखिए और स्टोर करिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्रिस्प बरकरार रहेगा क्योंकि स्ट्रेनर में हमने फ्राई किया है। तो देखिए मैं चली इसे एंजॉय करने, और आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।